हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस कैंपस पर। जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको मैथ करा रहा हूं। मैथ में कौन सा टॉपिक? चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि तुमने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सवाल तो सब कर लेते हैं बट टाइम नहीं बचा पाते। जो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, जो मैं तुम्हें सवाल करा रहा हूं ना, अगर तुम इन मेथड से करोगे तो तुम्हारे टाइम भी बचेगा और सवाल भी जल्दी हो जाएगा दूसरे के मुताबिक। देखते हैं, तो अब तक मैंने तुम्हें क्या कराया? अब तक मैंने 2 ईयर के और 3 ईयर्स के सवाल कराए थे तुम्हें अब तक, जो कि 3 ईयर्स तक हो गए कंप्लीट। आज मैं क्या कराऊंगा आपको? आज कराऊंगा मैं आपको जो हर साल में दर बदलते हैं, जैसे कि पहले साल में 4% हो गया, दूसरे साल में 5% दर हो गई, ऐसे सवाल कराऊंगा। अब तक हमने कितने करे थे? हमने 2 ईयर्स के सवाल करे थे और 3 के करे थे। आज मैं 4 ईयर्स के कराऊंगा और ये दर बदलने वाले सवाल कराऊंगा। ठीक है, चलते हैं। पहला सवाल, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन दे रखा हमें 10,000 रुपये। ठीक है, टाइम दे रखा हमें कितना? 3 ईयर्स। जो रेट दे रखा हमें यानी कि दर जो दे रखी है, फर्स्ट ईयर में 4%, सेकंड ईयर में 5% और थर्ड ईयर में 6%। ठीक, ये सवाल है हमारा और हमें निकालना क्या है? CI निकालना। ठीक है, CI निकालना हमें। अब देखो, पहले साल में तो दर लगेगी 4%, दूसरे साल में दर लगेगी 5%, तीसरे साल में दर लगेगी 6%। तो करते हैं, 4% को हम क्या लिख सकते हैं? 4% को हम लिख सकते हैं 1/25, 5% को 1/20 और 6% को क्या लिख सकते हैं? 6% को लिख सकते हैं हम 3/50। कैसे लिख सकते हैं? 2% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/50। ये कितने गुना है? 3 गुना, तो इसको भी हम 3 गुना लिख लेंगे, तो 3/50। अब आ जाओ, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा हमें? प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हमें 10,000 रुपये। 3 ईयर का सवाल है, दस हजार। तो पहली साल कौन सा लगेगा? 1/25, दूसरी साल में 1/20, तीसरी साल में 3/50। पहली साल में 1/25 लगने पर क्या आएगा? 25 चौका 100, 400, 20 पंजे 100, 500, 5 200 और यहाँ पर आएगा 600। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पहली साल का ब्याज। अब हम दूसरी साल में इस पर ब्याज लगेगा हमारा, कितना लगेगा दूसरी साल की दर हमारी ये है 1/20। ठीक है, 20 × 40, 400 × 1/20, तो 20 रुपये आ गया। ठीक है, अब तीसरी ईयर में जो वो लगेगा हमारा ब्याज, वो किस किस के ऊपर लगेगा? वो 400 के ऊपर लगेगा, 500 के ऊपर लगेगा, 400 के ऊपर लगेगा, 500 के ऊपर लगेगा और 20 के ऊपर लगेगा। ब्याज के ऊपर ब्याज लगता हमारे तीसरी साल में जो ब्याज लगेगा वो 400 के ऊपर लगेगा, 500 के ऊपर लगेगा और 20 के ऊपर लगेगा। और कितना लगेगा? 3/50 की दर से लगेगा, तो 3/50, इसको 6% ही लिख लो, 6% + 6% + 6%। यहाँ से 6% ले लेंगे कॉमन, 400 + यहाँ पर क्या बचेगा? 500 + 20 × 6%, ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 920 × 6%। अब 920 × 6% को लिख सकते हैं 3/50, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 कितने बचे? 4 बचे, 42 फोर बचे 42, 5 × 8 = 40 और 0.052 = 10, नहीं 5 × 8 = 42 बचे, 25 × 4 = 20, 18.4 × 3, तो इसकी इसमें करेंगे 3 × 4 = 12, 1 कैरी, 3 × 8 = 24 और 25 और 3 × 1 = 3, 4 = 5, 55.2 आ गया, 55.2 आ गया। कैसा आया?
तीसरी ईयर में जो ब्याज लगेगा वो इस पे लगेगा, इस पे लगेगा और इस पे लगेगा, ऐसे करते थे हम। पहली साल में तो इस पे लग गया इन तीनों पे, दूसरी साल में इस पे लगेगा, क्योंकि ये तो ब्याज देगा नहीं, ये तो दूसरी साल का ही है, दूसरी साल की दर है हमारी 1/20, 1/20 पे इस पे वो लग गया। फिर तीसरी ईयर में जो वो ब्याज लगेगा वो हमारा 400 के ऊपर लगेगा, 500 के ऊपर लगेगा और 20 के ऊपर लगेगा, ये हमने अलग लिख लिया यहाँ पे। 400 के ऊपर 6% लगेगा, 500 के ऊपर 6% लगेगा, 20 के ऊपर 6% लगेगा। क्यों? क्योंकि तीसरे साल की जो दर है वो 6% दी हुई है हमें, तो तीसरी साल की दर लगेगी हमें 400, 520, तो इन्हें कॉमन ले ले 6%, तो यहाँ से 400, 500 और 20 बचा। 20 बचने के बाद यहाँ पे ये हो गया, इन सबको जोड़ा तो 920 का 6%, 6% को हम 3/50 लिख सकते हैं, अभी बताया था ये रहा 3/50, जब ये काटेंगे तो 18.4 आ जाएगा यहाँ पे, 18.4 करें इसके में 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 55.2 आएगा। तो अब ये होगा हमारा क्या, टोटल चक्रवर्ती ब्याज CI कितना आएगा, 400 और 500 और 600 कितना होगा, 6, 4, 10, 5, 1500 और 20 और 55 75 और 0.2 0.25715, ये हो गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अगर हमसे पूछते कि प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, टाइम 3 साल का है, रेट इतनी इतनी दे रखी है, हमसे पूछते सिंपल इंटरेस्ट बताओ 3 साल का, तो पहले साल में ये हो गया, दूसरे साल में ये हो गया, तीसरे साल में ये हो गया, इन तीनों को जोड़ के हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता, कितना आ जाता 3 साल का, 400, 500 और 600, 1500, ये आ जाता हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमसे अंतर पूछते, अंतर ये आ जाता हमारा कितना आ जाता, 75.2, यह आ जाता हमारा अंतर, ये टोटल हो गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज, ऐसे होगा। एक बार और देख लो, प्रिंसिपल अमाउंट इतना दे रखा, टाइम हमें इतना दे रखा, रेट पहले साल में इतनी है, दूसरे साल में इतनी है, तीसरे साल में 6%। अब हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा कि हमारा चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो 4% हमने 1/25 लिख लिया, 5% हमने 1/20 लिख लिया, 6% 3/50 लिख लिया। कैसे लिखा, 2% को हम 1/50 लिख सकते हैं, ये होता 3 गुना, तो इसको भी हम 3 गुना लिख लेंगे, यानी कि 3/50। तो अब यहाँ पे आ जाओ, 10,000 है, 3 साल के लिए हम 3 बार डिवाइड करते हैं, 3 बार डिवाइड करने के बाद पहले साल में 1/25 दर, दूसरे साल में 1/20 दर, तीसरे साल में 3/50 दर। पहले साल में जब 1/25 लगेगी तो 400 आएगा, फिर आएगा 500 और फिर आएगा 600। अब दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा वो 400 के ऊपर लगेगा, और दूसरे साल की दर जो है वो क्या है हमारी 1/20, यानी कि 5% जब ब्याज लगेगा तो वो आएगा 20 रुपये, 400 पे जब 5% का ब्याज लगेगा तो वो आएगा 20 रुपये। और तीसरे साल में जो वो लगता है यहाँ आएगा हमारा B और C, यानी कि ये वाला बी तो हमने लिख लिया, ये B और C ये हमने अलग से निकाल लिया। तीसरी साल का ब्याज, तीसरी साल का ब्याज 400 के ऊपर लगेगा, 500 के ऊपर लगेगा और 20 के ऊपर लगेगा। 6% कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद ये बचा 920 का 6% आ गया हमारा 55.2 आ गया अब हमारा। अब ये टोटल जो होगा ये होगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज, इस सब को जोड़ लो, 1500 हो गया और ये हो गया 7.75.2, ये आ गया टोटल हमारा क्या, चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये होगा हमारा अंतर। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा सवाल, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन दे रखा हमें कितना, 10,000 रुपये, रेट जो दे रखा वो दे रखा हमें 10%। अब का टाइम जो दिया हमें वो दिया है 2.5 साल, 2+1/2 ईयर, और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है CI, ये पिछली बार क्या था, पिछली बार रेट तीनों साल में अलग अलग दे दिया, अब अगर रेट तो सेम है हमारा, यानी कि दर हमारी सेम है, बस हमारा टाइम चेंज कर दिया, हमारा टाइम पिछली बार 3 ईयर्स का था, अब 2.5 साल का है, तो 2.5 साल का बताना हमें, तो करते हैं, दर हमारी 10%, 10/100, तो 1/10 लिख लेंगे इसको,
ठीक है, तो 10,000, 10,000। अब ये देखो 2.5 साल है, तो हम पहले 3 साल का ही निकाल लेते हैं। 2.5 साल है, पहले 3 साल का निकाल लो, बता देंगे क्यों बाद में, तुम अपना आप समझ में आ जाएगा। 10 से 1/10, 1/10 और 1/10 कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1,000 रुपये, 1,000 रुपये और 1,000 रुपये, ये कितना होगा ए ए ए, यहाँ पे फिर बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और सी, ये हो गया 3rd साल का ब्याज होता है ये हमारा, इसका 1/10 दर, तो क्योंकि सेम है तीनों साल दर सेम है, तो यह आ जाएगा हमारा 100, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। अब ये इसका जो 10 1/10 यहाँ आएगा 10, ये आ गया हमारा ब्याज। अब इसने बोला कि 2 साल तो पूरे और 3rd साल आधी, 2 साल तो पूरे यानी कि ये वाले कितना हो गया 1,000, 1,000, 2,000 और ये 1,100, नहीं 2,100, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 साल का ब्याज होगा 2,100। अब हमसे पूछा कि 3rd साल, हमने 3rd साल पूरी का निकाल दिया लेकिन हमसे पूछा आधी का, तो 3rd साल का कितना होगा 100, 1,000, 100, 200, 210 यानी कि 1,210 रुपये, ठीक है। अब ये हमसे पूरी साल का है, तो हमसे आधी साल का पूछा था, इसको भी हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2,6 × 12, 2,5 × 10, 605 रुपये, 2,100 और 605, 5,072, 2,705 रुपये हो जाएगा हमारा ब्याज। क्या करा है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 10,000 रुपये है, दर जो दे रखी है हमें 10% दे रखी है, 10% को हम 1/10 लिख लेते हैं, टाइम जो दे रखा, टाइम दे रखा हमें 2.5 साल यानी कि 2+1/2 ईयर्स, ये हो गया हमारा 2.5 साल, 2 साल तो पूरी और 3rd साल जो होगी हमारी आधी होगी, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पूछा हमसे, तो 10,000 रुपये है, 10,000 को हमने 3 साल में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 साल के लिए 2.5 साल के लिए, तो हम 3 साल के लिए कर लेंगे, बाद में जो आएगी 3rd साल उसे कर देंगे आधा, 3 साल के लिए निकाल लिया, ये हो गया हमारा, इसका 1/10 100, यहाँ पे भी 100, इसका 1/10 यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 2 साल का तो पूरा पूछा, तो ये 2 साल का हमारा ये होगा कितना हो जाएगा 1,000, 1,000, 2,000 और 100, 2,100, 2,100 रुपये तो हो गया हमारा 2 साल का ब्याज। अब 3rd साल का जो ब्याज है वो हमारा आ रहा 1,210 रुपये, हमारा क्या आ रहा 1,210 रुपये, हमारा पूरी 3 साल का ब्याज 3rd का, लेकिन इसने पूछा कि 3rd साल आधी है, ये 2.5 साल 1/2, तो इसको भी हम 1/2 कर देंगे यानी कि इसका आधा आएगा 605 रुपये, तो आधे साल का ये और 2 साल का ये, तो 2.5 साल हो जाएंगे टोटल 2,100 और 605, 2,705 रुपये। अब ये सवाल आ जाता कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साधारण ब्याज बताओ हमें 2.5 साल का 1/2, 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो 1,000, 1,000, 2,000 तो ये हो जाते और इसका आधा कर देते, ये भी तो सिंपल इंटरेस्ट ही है लेकिन ये 3rd साल का पूरा है, इसका आधा कर देते 500 रुपये, तो इसमें 500 और जुड़ जाते, कितना आ जाता 2,500, ठीक है। अंतर पूछ लेते, अंतर क्या आता, अंतर आता ये वाला हमारा 100 और 100, 200 और 210, 210 का आधा कितना होगा 2,105 रुपये, 105 और 100, 205 रुपये, ये होता हमारा अंतर, ये होता हमारा। एक तो मैंने करा दिया आर यानी कि दर बदलने वाला, पहले साल में अलग, दूसरे साल में अलग, 3rd साल में अलग। अब कराया मैंने टाइम चेंज यानी कि हर बार पूछता था ये 3 ईयर का या फिर 2 ईयर का या फिर 1 ईयर का या फिर 4 ईयर का, ये सिंपल था, बट इसने बोल दिया कि 2.5 साल। अब आ जाए हमारे पास आ जाए हमारा 1.5 साल का निकालो, 1.5 साल का निकालो, देखो एक बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाता टाइम आ जाता क्या 1.5 साल, मूलधन बदल देता 1,000 रुपये कर देता, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता 1.5 साल, 1.5 साल है तो यानी कि 2 साल का निकाल लो, 1,000 ए और बी नीचे लिख लो थोड़ा सा, 1/10, 1/10,
सो आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी सो, इसका एक बटे दस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दस। इसने पूछा डेढ़ साल का, पहली साल का तो ये रहा, दूसरी साल क्या करनी है आधी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, 110 ही होगा ना, डिवाइड बाई 2, 25 जा 10, यहाँ पर 1 बचा, 25 जा 10, 55, 100 प्लस 55, 155 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेते, 100 और इसका आधा 50, 150 रुपए हो जाता हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अंतर पूछ लेते, अंतर यही आ जाता हमारा 5। 5 क्यों आता, क्योंकि डेढ़ साल है ये हमारे पूरी साल का, इसका आधा हो जाता 10/5, ये हो जाता, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, 2 ईयर का बता दिया मैंने, बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। बुक ले लियो कोई, उसमें प्रैक्टिस करना, जो ना हो कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं करा दूंगा। अब के बार सवाल चेंज, प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रखा वो हमें कितना दे रखा, 10,000, ठीक है। टाइम जो दे रखा वो दे रखा हमें डेढ़ साल, डेढ़ साल का ही आ गया। अब हमें रेट जो दे रखी है, रेट दे रखी है हमें 20% पर ईयर, पर एनम, यानी कि पूरी साल की, ईयर के हिसाब से दे रखी है हमें, वार्षिक दर दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, वार्षिक। लेकिन इंटरेस्ट जो निकालना हमें, इंटरेस्ट जो निकालना वो हमें छमाई निकालना, क्या निकालना है, छमाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना कितना होगा, इंटरेस्ट जो बताना हमें वो छमाई के हिसाब से बताना है, और पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, डेढ़ साल का ये है। तो दर जो है ये हमारी एक साल की है, ठीक है, एक साल की कितनी है 20%। छमाई क्या होता, छमाई होता हमारे 6 महीने, छमाई, छमाई क्या होता हमारा, ये है 12 मंथ, ये हो जाएंगे 6 मंथ, कितना हो जाएगा 10%, 10% यानी कि 1/10। अब हमने टाइम तो चेंज कर लिया, टाइम ने दर, अब दर है हमारी मंथ के हिसाब से, टाइम दे रखा हमें ईयर में, तो इस टाइम को भी हम क्या कर लेंगे, इस टाइम को भी हम मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। डेढ़ साल है तो कितने हो गए, 18 महीने, 18 महीने। अब 18 महीने को हम ऐसे तोड़ेंगे कि 6 महीने के हमारे टुकड़े बन जाएं, तो 3 × 6 मंथ, यानी कि 6, 6 और 6, 6, 6, 12, 6, 18, 3 × 3 × 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं, मंथ में बदल लिया, मंथ में बदलने के बाद हमें 6 मंथ, क्योंकि हमें जो रेट दर दे रखी है वो 6 महीने की दे रखी है, तो टाइम भी हम 6, 6 महीने में ही निकाल लेंगे। 18 महीने का कैसे निकालते, ये हमारी 10,000 क्या है हमारा, ये प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमें 3 ही है 6, 6 महीने के 3 बार डिवाइड करना, 6, 6 बस, क्या है तो हमारा तीन साल का मान लो, या फिर 3-3 बार 6, 6 महीने का मान लो, बस ये दे रखा हमें कि मंथ है, इस बार मंथ 6 महीने और 6 महीने 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए आता, यहाँ पे बी आता, यहाँ पे भी बी आता, यहाँ पे भी बी आता और सी आता, ये हमारा। अब 10,000 है, दर कितनी है, 1/10 है, 6 महीने की दर है, 6 महीने की दर 1/10, इस पर कितना बैठेगा, इस पर बैठेगा 1,000 रुपये। ये सेम आते हैं हमारे, क्यों आते हैं, क्योंकि दर हमारी चेंज होती नहीं है, दर चेंज हुई थी हमने बदल दिए थे। अब इसका 1/10 करेंगे, 1/10 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, इसका 1/10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, जोड़ लो, ये होगा हमारा टोटल क्या, CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, 1,000, 1,000, 1,000, 3,000, 100, 200, 300, ये 3,300
दस, क्या आ गया हमारा सी आई। ठीक, कैसे करा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, टाइम दे दिया हमें 1.5 साल का, ये टाइम दे रखा क्या ईयर में, हमें टाइम क्या दे रखा ईयर में, रेट क्या पूछी हमसे, रेट दे दिया हमें 20% पर एनम, यानी कि पूरी ईयर की वार्षिक दर दे रखी है, मैं वार्षिक दर दे रखी है 20%, लेकिन हमसे जो ब्याज पूछा वो छमाही में पूछा है कि 6-6 महीने में बताओ ब्याज कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हमसे, तो ये होती है 12 महीने, एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने की दे रखे हमें 20% दर। अब इसके छमाही पूछा तो छमाही होते 6 महीने, यानी कि इसके आधा है तो इसका भी आधा हो जाएगा 10%, 10% को क्या लिख लेते हैं हम 1/10, ये तो हो गया हमारा रेट का। अब आता हमारा टाइम, टाइम दे रखा हमें 1.5 साल, 1.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं 18 महीने, 18 महीने, 18 महीने को हम ऐसे तोड़ लें कि 6 महीने में हमारा डिवाइड हो जावे, तो 18 by 6, 6 × 3 यानी कि 3 बार हम 6 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, वही आ जाएगा हमारा 3 साल वाला, फिर 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, पहली बार जो ब्याज गया वो 6 महीने गया, फिर दोबारा ब्याज गया 6 महीने का, फिर तिबारा ब्याज गया 6 महीने का, 6 करके 18 महीने हो गए टोटल हमारे, 1.5 साल में 18 महीने हो गए, 18 महीने 1/10, 1000, 1000 और 1000, ठीक है, 1000 कैसा आया, 1000 आया 10,000 × 1/10, 10 कैंसिल हो जाएगी तो 1000 बचेगा, 1000, 1000 और 1000, ठीक है, यहाँ पे भी, तो इसका 1/10 करेंगे तो 100, 100 और 100, फिर इसका 1/10 करेंगे क्योंकि दर हमारी चेंज नहीं हो रही है, उसमें पे, उसमें जो पहले वाला क्वेश्चन करा था उसमें बोला था पहले साल में 4%, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में 6%, लेकिन इसमें जो बोला है हमारा दर चेंज नहीं है, हमारी दर 10% ही रहेगी, 6 महीने की दर 10%, 6 महीने की दर 10% होगी, 6 महीने की दर 10% होगी और 6 महीने की दर 10% हो गई, ये आ गया हमारा 100, 100 और 100, इसकी 1/10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, जोड़ लो 1000, 1000, 1000, 3000 हो गए, 100, 200, 300, 300 आ गए, यहाँ पे 10 आ गया, 0, 1, 3 और 3, 3310 रुपये, क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसी में हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेते, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता हमारा ये कितना आ जाता 3000, ये 3000 जो सिंपल इंटरेस्ट है ना ये हमारा 3 ईयर्स का है, बाई चांस कन्फ्यूज करने के लिए दे दे मैं अभी, जैसे दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, मैंने कल कराया था ये क्वेश्चन कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 5 ईयर का, 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, यहाँ पे 64 आया था, यहाँ भी 64 था, यहाँ भी 64 था, तो 64 × 5 करा था क्योंकि हमारा 5 गुना आया था, हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज आया था उससे 5 गुना आया था, 64 5 में करा था, 500, 5 6 30, 5 4 20, 2 5 320 आया था, 1 साल का आया था ये हमारा 1 ईयर का, फिर इसमें हमने पूछी थी कितनी की 5 साल की, तो इसमें हमने फिर 5 की मल्टीप्लाई करी थी, 500, 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 5 1 5, 500, 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, ये आया था हमारा कल, इससे पिछली वाली वीडियो में कराया था मैंने कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ 5 ईयर्स का, तो हमने ऐसे निकाला था। अब जो हमसे पूछने लगे सिंपल इंटरेस्ट बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, सिंपल इंटरेस्ट हमने कोई कोई होता कि सब ये सर ने बताया था ये होता है इसे जोड़कर 3000 और ऑप्शन में 3000 दे रखा होगा, तुम लगा के आ जाओगे तुम्हारा हो जाएगा गलत। और सवाल पहले तो ढंग से पढ़ना है कि सवाल में पूछा क्या है, सवाल में कभी कभी पूछ दे देता है कि 1 ईयर का बताओ, 1 ईयर का हमारा 1000 आएगा, बच्चे लगा कर 3000 गलत हो जाता, यही तो छोटी छोटी चीज़ पढ़नी चाहिए, वहाँ पे होपलेस में सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता कुछ भी, पेपर देने जाते हैं तो सब आता है, देखते हैं तो सब गोल। ठीक है, अब कराते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है बड़ा, बोल देता हूँ मैं
2602 रुपए की धनराशि एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों के बैंक के खाते में इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि जब वे दोनों 18 वर्ष के हों तो तब उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो, जबकि उनकी वर्तमान आयु जो है ये दे रखी है 14 साल और 16 साल। बताइए छोटे बेटे की बैंक में कितनी राशि जमा कराई गई यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% दी गई हो। ब्याज की वार्षिक दर कितनी दे रखी है हमें? ब्याज की वार्षिक दर दे रखी है 4%। ब्याज की वार्षिक दर क्या दे रखी है? 4%। यानी कि दर जो दे रखी है कितनी दे रखी है? 4%। क्वेश्चन में क्या है कि एक बूढ़ा आदमी है, उसके दो बेटे हैं, वो कह रहा है कि दो बेटे के बैंक के खाते में वो कितने रुपए की राशि, 2602 रुपए की राशि किस प्रकार जमा करवाए कि जब वे दोनों 18 साल के हों तो उनके बैंक के खाते में दोनों बराबर राशि हों, जबकि उनकी वर्तमान आयु एक की है 14 वर्ष, एक की 18 वर्ष, 14 वर्ष और एक की 16 वर्ष, एक की 14 वर्ष, एक की 16 वर्ष। बताइए छोटे बेटे की, यानी कि छोटे बेटे के खाते में कितनी राशि जमा कराई उसने, ये बतानी है हमें। छोटे बेटे के खाते में कितनी राशि जमा कराई यदि ब्याज की दर हो 4%, ये सवाल है हमारा, ठीक है, करते हैं। अब देखो छोटा बेटा जो वर्तमान में है वो है 14 साल, बड़ा बेटा है हमारा 16 साल का जो वर्तमान में है, और इन्हें ब्याज के, इन्हें कब तक जब ब्याज मिलेगा, ये इन्हें मिलेगा 18 वर्ष के, यानी कि जब 18 वर्ष के हों तो दोनों में बराबर हो, दोनों के खाते में पैसा कितना हो, बराबर। तो इसे कितने साल ब्याज मिलेगा? इसे मिलेगा हमारा 4 साल ब्याज, इसे मिलेगा 2 साल ब्याज। तो यानी कि इसके खाते में ज़्यादा जमा होगी, इसके खाते में कम जमा होगी, ये तो पता है इसे, क्योंकि ज़्यादा ब्याज मिलेगा इसे कम ब्याज मिलेगा। तो करते हैं सवाल, दर क्या दे रखी है हमें? दर दे रखे 4%, कुछ नहीं है सवाल में, बहुत सिंपल। क्या है? 4% दर। 4% को क्या लिख सकते हैं हम? 4% को लिख सकते हैं, रुको, चार परसेंट को क्या लिख सकते हैं? 1/25। यानी कि छोटे बेटे की में अगर 25 जमा होंगे तो बड़े की में 26 जमा होंगे, ठीक है। तो अब कितने साल इनका जो वो, एक तो है 14 साल का, एक है 16 साल का जो वर्तमान में है। अब क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर दो, क्यों? क्योंकि इनके में कि इनकी उम्र में कितना गैप है? 2 साल का। अगर 2 साल का गैप है तो पावर 2 कर दो, अगर 3 साल का गैप है तो पावर 3 कर दो, अगर 4 साल का गैप है तो यहाँ पे पावर 4 कर देंगे। अब कितनी साल का गैप है? इसमें गैप है हमारा 2 साल का, 14 से 16, 2 साल का गैप है, तो इनका कर देंगे स्क्वायर। इनका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, इसका स्क्वायर 676, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो। ये कह रहा है कि बैंक खाते में 2602 रुपए की राशि जमा कराई, 2602 रुपए की राशि जमा कराई, यानी कि टोटल जो राशि जमा कराई उसने 2602 रुपए की, और हमारी टोटल क्या आ रही है? हमारी टोटल आ रही है 6 और 5 11, 7 2 9 और 1 10, 6 और 6 12 और 1 13, 1301 आ रही है हमारी, हमारी टोटल क्या आ रही है? 1301। लेकिन वो कह रहा है कि 2602 रुपए की राशि हमने बैंक में जमा कराई उसने, तो कितने गुना है ये? ये हमारी 2 गुना, क्योंकि देख लो 2 1 2 2 0 0 2 3 6 2 1 2, 2 गुना है। तो उसने बोली है कि छोटे बेटे के खाते में कितनी राशि जमा होगी, छोटा बेटा ये है हमारा, छोटे बेटे यानी कि इसको भी हम 2 गुना कर देंगे, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 6 12, 1250। ये हो गया। अगर पूछता बड़े बेटे तो इसे भी दुगुना कर दो, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 6 12 और 1 13, बड़े बेटे के में इतनी कराई। बताया था ना मैंने, छोटे के में कम कराएगा, बड़े के में ज़्यादा पैसे जमा कराएगा, क्यों? क्योंकि इसे ब्याज तो मिलेगा 2 साल, इसे ब्याज मिलेगा 4 साल, तो बराबर आ जाएंगे दोनों,
ठीक है, एक बार और सुन लो। सवाल था, एक बूढ़ा आदमी है, वो 2602 रुपए की राशि अपने दो बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि जब वो दोनों 18 वर्ष के हों तो उन्हें उनके बैंक के खाते में बराबर राशि मिले, जबकि उनकी वर्तमान आयु एक की 14 वर्ष है, एक की है 16 वर्ष, तो और जबकि ब्याज की वार्षिक दर 4% रही हो, ये रही। ठीक है, यानी कि एक तो 14 साल का है वर्तमान में, एक है 16 साल का, तो 4% को 1/25 ले लिया। अगर छोटे बेटे के में 25 है तो बड़े के में 26, 25 और 1 26, एक रुपये फालतू हो रहा जमा, 25 और 1 26, तो 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। ये स्क्वायर क्यों करा, ये स्क्वायर करा, ये होता हमारा इनके अंतर, एज डिफरेंस, यानी कि इनकी उम्र में जो अंतर है, वर्तमान की उम्र में जो अंतर है, ये 14 का ये 16 का, तो कितनी अंतर है 2 का, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अगर ये होता 14 का और ये होता हमारा 17 का, कितनी का अंतर है 3 का, तो यहाँ पे 3 हो जाता। ठीक है, अंतर के हिसाब से तुम यहाँ पे पावर बदल लो, बस सिंपल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, क्योंकि अंतर जो है 2 ईयर का, 25 25 या 625 और ये 26 26 या 676। ठीक है, ये इसका ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1301, और लेकिन उसने दे रखा 2602 रुपये राशि जमा करा था, हमारा 2600 राशि इन दोनों की मिलकर राशि बैठ रही है 1301, तो कितने गुना है ये हमारी 2 गुना, तो इनको भी हम 2 गुना कर देंगे। छोटे बेटे की पूछे, छोटे बेटे की 2 गुना कर दो, इसकी 2 गुना करेंगे, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 6 12, ये आ जाएगी हमारी राशि। अगर बड़े बेटे की पूछता इसे भी 2 गुना कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले सवाल। क्या आते हैं, किस्त वाले सवाल। पहले एक सवाल देख लो, 4 इयर्स का क्वेश्चन, 4 इयर्स में क्या करना है, 4a 6b 4c और 1d, ये होता 4 6 4 1, ये होता। जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा हमें, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हमें 10,000 रुपये, और टाइम जो दे रखा वो दे रखा 4 इयर्स का, और रेट जो दे रखे वो दे रखे हमें 10%, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब 3 इयर्स के सवाल में क्या करा था हमने, 3 3 1, और 2 1 करा था हमने 2 इयर्स के सवाल में, अब 4 के में 4 6 4 1, तो करते हैं, तो 10,000 इक्वल्स टू 4 6 4 1, दर कितनी दे रखे 1/10 कितनी आ जाएगी 1,000। ठीक है, प्लस इसकी 1/10 कितनी आ जाएगी 100, इसकी 1/10 कितनी आ जाएगी 10, इसकी 1/10 कितनी आ जाएगी 1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, जोड़ो 4,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1, 1 4 6 4, ये आ गया आंसर 4 6 4 1। क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन दे रखा हमें 10,000 का, टाइम दे रखा हमें 4 साल का, और रेट जो दे रखे वो दे रखे हमें 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। ठीक है हमारा, अब 4 इयर्स के में क्या लिखते हैं हम 4 6 4 6 4 1, अब 10,000 है, 10,000 का 1/10 करेंगे 1,000, अब इसका नहीं करना दोबारा 1/10, अब इसका ही करना जो आएगा फिर उसका 1/10, 1/10 करेंगे 100, फिर इसका 1/10 करेंगे 10, फिर इसका 1/10 करेंगे 1। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर ली, इसकी इसमें 4,000, इसकी इसमें 600, इसकी 40 और इसकी 1, अब इन सबको जोड़ के ये आ गया हमारा 4641, क्या आ गया 4641, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तुम घर पे क्या करना, तुम्हें यही सवाल सेम क्या करना, फॉर्मूले से करना, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आता है
कि दर वो जैसे कि दो ईयर में भी आया था, थ्री ईयर्स में भी आया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा, अंतर बताना है, या फिर कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे दिया, मूलधन पूछा है, ये वाला। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मान लो या शॉर्ट ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो। जैसे कि दर है हमारी, दर दे रखी हमें 10%, 10% को 1/10 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है, जो ये दर है ना, दर के जब हम दर को तोड़ेंगे फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन के जो नीचे वाला भाग होता है इसका 6, 4 और 1, ये दर है, दर के नीचे वाला भाग लिख लो, 10 10 10 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब ये 10 है, इसका स्क्वायर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, तो ये इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू डिफरेंस, यानी कि SI और CI का अंतर आएगा। ये फॉर्मूला है 6, 4 और 10, और ये 10 10 क्या है, जो हमारी दर दे रखी होगी उसके नीचे वाला भाग। जब दर है, दर को हम तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में कर लिया हमने, दर है इसको फ्रैक्शन में कर लिया 1/10, 1/10 के नीचे वाला हिस्सा, यानी कि 10 10 10 10, यहाँ पे 10, यहाँ इसकी पावर 4, 4 ईयर्स का था 4, ठीक है। इंटू PA यानी कि मूलधन, क्या हो गया, मूलधन इक्वल्स टू डिफरेंस, ये दे दिया हमें फॉर्मूला। अब आ जाओ सवाल पे, इसका एक सवाल है, ठीक है। अगर यहाँ पे दर होती 5%, 5% को क्या लिख सकते हैं, 5% को 1/20 लिख सकते हैं, 20% इसकी जगह 20 आ जाता, यहाँ पे 20 आ जाता, यहाँ पे 20 आता, यहाँ पे 20 आता, बस ये चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ये भी ऐसे रहता, ये भी ऐसे रहता, ये पावर है 0, किसी की भी पावर 0 होती है, 20 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता हमारा, किसी की भी पावर है, किसी की भी पावर 1 है, यानी कि ये है, इसकी पावर 0 लिख दी तो ये 1 आएगा, ठीक है। अब दर मान लो, दर मान लो 4% दे रखी है, 4% 1/25 होता, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25, 12.5% दे देते, 1/8 होता, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, बस ये ही चेंज होंगे, ये दर के हिसाब से चेंज होंगे। क्या होगा, दर दे रखी है, दर को हमने फ्रैक्शन में बदला, फ्रैक्शन में बदल लिया, जो दर के नीचे वाला पोर्शन होगा, ये नीचे वाला भाग होगा, यानी कि डेनोमिनेटर, यहाँ पे डेनोमिनेटर आएगा, बस ये पावर सेम रहेंगी, 2, 1, 0 और 4, 4 क्यों आया, 4 हमारा आया ये 4 ईयर्स की वजह से, ठीक है। इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, अंतर के लिए है ये, डिफरेंस के लिए, जैसे कि CI और SI का अंतर दे दिया, ये वाला। अब करते हैं सवाल, सीता 5,000 रुपये की राशि, सीता 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर, वार्षिक दर से SI की दर से 10% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए जमा कराती है, जमा कराती है। यदि सीता को, यदि सीता को अर्धवार्षिक
अर्ध वार्षिक ब्याज मिले, यानी कि अर्धवार्षिक किसे कहते हैं, ब्याज मिले, तो उसके खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी, तो उसके खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी। सीआई की दर से, सीआई की दर से ये सवाल है। सीता 5000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक दर से एसआई, 10% वार्षिक एसआई की दर से 2 वर्षों के लिए जमा कराती है, ठीक है। 5000 रुपए है, 10% की दर से साधारण ब्याज से जमा करा दिए। यदि सीता को ब्याज मिल रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली, जैसे कि एक साल है तो इसका आधा 1/2 हाफ ईयरली अर्धवार्षिक ब्याज मिले, तो उसके खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी सीआई की दर से, यानी कि चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से। तो सीआई और एसआई का अंतर पूछा, एसआई से जमा करा रहा है, सीआई की दर से पूछ रहा, तो कितनी जमा हो जाएगी, कितनी अधिक होगी, यानी कि अंतर पूछा आंसर, अंतर पूछ रहा है, ठीक है। करो, ये क्या दे रखा, ये दे रखा हमें 5000, ये दे रखा हमें मूलधन। अब दर क्या दे रखी, दर दे रखी 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो यहाँ पे क्या लिखना, 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1/4, दर है 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ये प्लस ये प्लस, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0, ये है, ठीक है। करो, 4 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 1 × 1, तो 1 रह जाएगा यहाँ पर, बाई 10 × 10 × 10 × 10 × 5, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये कट गया, 400 प्लस 60 प्लस 1/10 × 5, यहाँ पे 10 की पावर 1, मुझे लग रहा गलत हो गया, हाँ ये क्या, हाँ 4, 6, 4, 1 था, तो 6, 4, 1 है ना, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ठीक है। चलो शुरू से करते हैं, करते हैं, क्या था फॉर्मूला, 4, 6, 4, 1 है, तो 6, 4, 1 है हमारा, 6 दर लिख लो पहले, दर हमारी आर क्या है, 10%, 1/10, 6, 4, 1/10 की पावर 4, 10 क्या है, दर, दर के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, दर आ गया 10, 10 और 10, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, कितनी दे रखी है, ये दे रखा 5000 रुपये मूलधन, मूलधन दे दिया हमें 5000 रुपये। अब इसकी पावर लिख लो, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ठीक है। अगर यहाँ पे होती दर हमारी 20% होती, 20% होती, 1/5 लिखा जाता, 1/5 लिखा जाता, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, जो दर का नीचे वाला होगा यानी कि डेनोमिनेटर होगा हमारा, वो ही हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब करो,
6 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस और 1 आ जाएगा यहाँ पर। 1 कैसे आएगा, 10 की पावर 0, 1 होता 1 × 1, 1 10 × 10 × 10 × 10 × 5000 1, 2, 3 कट गया, 600 प्लस 40 प्लस 1/10 × 5 ठीक है, कितना आएगा यहाँ से 641/10 × 5 ये हो जाएगा 64.1 × 5 10 की जब इसमें डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 64.1 × 10 इसकी मल्टीप्लाई कर लो 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 30, 31 = 32 ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कि सी आई अर्धवार्षिक ब्याज के उसके खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी सी आई की दर से, इतनी अधिक राशि मिल जाएगी उसके खाते में 320.5 रुपये ये अधिक राशि मिलेगी उसे ठीक है। एक बार और देख लो, सीता 5000 रुपये की राशि 10% वार्षिक एस आई की दर से 2 वर्षों के लिए जमा कराती, यानी कि 5000 रुपये 10% वार्षिक दर से उसने 2 वर्षों के लिए जमा करा दिए। यदि सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले, अर्धवार्षिक गलत हो गया, हमने दर यही ले ली, हमने क्या ले ली, दर यही ले ली, हमने अर्धवार्षिक नहीं देखा, क्या नहीं देखा, अर्धवार्षिक दर जो है हमारी अर्धवार्षिक, ये हो गया मेरी पूरी ईयर्स के लिए, दर जो हो गया हमारी 10%, ये हो गया हमारी इसकी आधी यानी कि 5%, कितना होगा 1/20, तो यहाँ पे 20, तो इस दूसरा सवाल कर लेते हैं ना, अर्धवार्षिक छोड़ दो, अब सीधा कर लो, अगले सवाल में अर्धवार्षिक कर लेंगे, 10-10 ही रहने दो, दो सवाल हो जाएंगे ना, एग्जाम्पल दो हो जाएंगे, एक तो सीधा हो गया जो अभी कराया था ये हो गया सीधा, अब इसका ही दूसरा वाला पार्ट कर लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं सेकंड पार्ट जो अर्धवार्षिक वाला होगा, कितना होगा अर्धवार्षिक वाला, सेकंड पार्ट अर्ध वार्षिक, अब क्या जोड़ते हैं हमने अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, ईयर का हाफ रेट जो दे रखा है हमें वार्षिक की दे रखी है यानी कि 10% पूरी साल की दे रखी है, तो इसका हाफ कर देंगे हो जाएगा 5%, कितना आ गया 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20, तो 641/20 × 4 5000 इक्वल्स टू अंतर आ जाएगा ठीक है, 20 और 20 की पावर 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे प्लस 6 × 400 प्लस 4 × 20 + 1 × 20 × 20 × 20 × 20 क्या आ जाएगा हमारा 400 × 400 × 5000 ये आ गया हमारा, काट लो 1, 2, 3 6 × 4 = 24, 2 × 0 = 8 आ गया प्लस 1/20 ये कितना हो जाएगा 400 × 4 = 16 ये आ गया इतना, तो इसके कितना आ जाएगा 2481/160 ये लगभग 77.5 इतना आएगा 77.50 लगभग इतना आएगा ठीक है, ये एप्रोक्स लगभग इतना आएगा एप्रोक्स, इसकी इसमें डिवाइड करके 77.50 एप्रोक्स इतना आ जाएगा ठीक है। कैसे करा है,
इससे पहला जो सवाल कराया था उसमें अर्धवार्षिक हटा दो, यानी कि हमने सिंपल कराया था, 10 साल का दे रखा हमें और पूरी साल का ब्याज पूछा, और सीता को ब्याज मिल रहा हमारा वार्षिक मिल रहा, अर्धवार्षिक की जगह वार्षिक मिल रहा था, तो हमने 10% ऐसी ले ली थी, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है, उससे करा गया था हमारा सवाल। अब दूसरा पार्ट इसी में ही दूसरा पार्ट जोड़ दिया कि 2 वर्षों के लिए जमा कराते यदि सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले, अब की बार मिल रहा उसे अर्धवार्षिक यानी कि ईयर का हाफ, यानी कि हाफ ईयरली, ये तो दे रखा पूरी ईयर का वार्षिक, इसकी अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, ईयर का आधा, इसका कर देंगे 10 का आधा, 10/2 इनटू इक्वल्स टू 5, तो 5 को क्या लिख लेंगे 1/20, 6 × 20^2, 4 × 20^1 और ये होता 20^0, 1 × 20^0, 1 × 20^0, तो 6 × 400, 20^2 होता 4 × 20, 20^1 है 20 आ जाएगा, 4, 1 × 20^0 1 होता, तो 1 × 1 आ गया, अपॉन 20, ये हो गया 20 × 20 × 20 × 20, 400 आ गया, ये आ गया। अब हमारे यहाँ पे कितना आया, 6 × 4 = 24, 4 × 2 = 8, 80 आ गया, प्लस 1/160 कैसा आया, इससे 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ठीक है, और इंटू 5, ये 5 बच रहा था हमारा यहाँ पे, और इंटू 5, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, अब 4 ईयर के भी हो गए, 4 ईयर के में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, अब 3 ईयर के भी हो गए और 2 ईयर के भी हो गए, 4 ईयर में ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाएगा। अब तुम प्रैक्टिस करना जो तुम्हारा बच रहा हो वो कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद एक टाइप और रह रहा है, फिर तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म, किस्त वाले सवाल रह रहे हैं, कौन से किस्त वाले सवाल, ठीक है बच्चों। अब आया हमारा क्या, इंस्टॉलमेंट, क्या आया, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त, किस्त वाले सवाल आते हैं, किस्त वाले सवाल क्या हैं, एक होता फॉर्मूला इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट जो होती है यानी कि किस्त, किस्त जो आएगी हमारी, किस्त जो आएगी वो आएगी हमारी प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द पीए, लिख लो इसको, पार्ट ऑफ द पीए प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, इन दोनों को जोड़कर हमारी किस्त आती है, यानी कि कुछ पार्ट तो पीए का यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन का, और ये होती है हमारी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ठीक है। अब जैसे कि सवाल है हमारा इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त जो दे रखी है वो दे रखी है 1100 रुपये की, किस्त हमारी 1100 रुपये की यानी कि हर महीने 1100 रुपये जमा करेगा वो किस्त के हिसाब से, और दर जो दे रखी है वो दे रखी है हमारी 10%, और क्या पूछा हमसे, पार्ट ऑफ द पीए पूछा, क्या पूछा हमसे, पार्ट ऑफ द पीए, पार्ट ऑफ द पीए कैसे निकलेगा, पीए ही मान लो इसको, मूलधन पीए लिख लिया इज इक्वल्स टू दर दे रखी हमें 1/10, 10 और 1 = 11 यानी कि 10/11 आ गया, ठीक है, 10 और 1 = 11, 10/11, तो ये 1100 रुपये है, 1100 रुपये किस दे रहा, किस दर से, 10/11 से, 11 बन जाए 1100, कितना आ गया 1000 रुपये, मूलधन जो था उसका 1000 रुपये था, जो कि उसने किस्त जमा करी थी, इंस्टॉलमेंट 1100 रुपये की जमा करा, यानी कि हर महीने 1100 रुपये की किस्त जमा करेगा, ठीक है। अब एक सवाल और है, अगर वो दे देगी सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो जो ये दर होगी ना हमारी, जो यहाँ पे लिखी जाएगी दर होगी ये वाली, जैसे 1/10 है, अब आ जाओ हमारी दर आ जाए हमारी क्या मान लो, यहाँ पे मान लो 20% मान लो, 20% कितनी होगी 1/5, 1/5 होगी, इसको क्या लिख सकते हैं 5 और 1 = 6, तो 5/6, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पूछे तो सेकंड में इसका स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर,
क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट पूछ ले तो इन दोनों का हो जाएगी क्यूब। फोर्थ इंस्टॉलमेंट तो इनका हो जाएगा यहाँ पर फोर। ठीक है, एक सवाल करा देता हूँ सेकंड इंस्टॉलमेंट का, दर यही मान लेते हैं। चलो ठीक है, अब आता हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट वाला सवाल, यानी कि दूसरी किस्त। अभी कराई थी हमने एक पहली किस्त वाला, तो दूसरी किस्त जमा कर रहा है 1210 रुपए की। रेट कितना हमारा, ये हमारा 10%। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। 1/10 को 10 और 1 11, 10/11। अब हमसे PA पूछा तो क्या आएगा, ये आएगा PA इक्वल्स टू, अभी जो करा था हमने यहाँ पे 1100 था, 1210 रुपए इंटू 10/11। पहली सर जब पहली किस्त थी हमने ऐसा करा था। अब हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, क्या जाएगा 1210 इंटू 100/121। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, ये आ जाएगा 1000। कितना आ गया 1000 पी आ गया। सेकंड इंस्टॉलमेंट दे रखी हमें इतनी, आर जो दे रखा हमें 10%, 1/10, 10 और 11, तो 10/11 आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा, प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा पार्ट ऑफ द PA, तो PA इज इक्वल्स टू 1210, 1210 का 10/11। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पे हो गया किस्त, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है हमारा इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिपेंड। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है हमारा इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिपेंड। 1210 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 10 बार, तो 10 इसमें 100 की 10 में डिपेंड करेंगे 1000। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट का सवाल। अगर यहाँ पर आ जाए थर्ड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे क्या आ जाए थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगी। अगर आ जाए फोर इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पे भी फोर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अगला सवाल जो कि इस टॉपिक का लास्ट सवाल, अब देखो दर मान लिया हमने 10%, कुछ भी मान सकते हैं, 1/10 क्या लिख सकते हैं, 10/11। ठीक है, रेट कितनी मान लिया हमने 10%, 1/10, 10/11। तो अब क्या होता, जब हमने पहली इंस्टॉलमेंट वाला सवाल करा था वो यही था, इतना था हमारा इक्वल्स टू PA था प्लस। दूसरी इंस्टॉलमेंट का जो सवाल करा था हमने, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इंटू 10/11 का स्क्वायर, ये था। अब इनके इक्वल्स्ट में क्या था, PA, ये था हमारा। अब यहाँ से इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट दोनों मारा था, ये ले लिया हमने कॉमन 10/11 प्लस 10/11 का स्क्वायर इक्वल्स टू PA, ये आ गया हमारा। अब आ गया जी हमारा इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे भी 10/11 है, यहाँ 10/11 का स्क्वायर है, तो 10/11 और कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 10/11 और 10/11 आ जाएगा बाहर PA। ये हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट, इसे और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 11 और 10 = 21/11 इंटू 10/11 इक्वल्स टू PA। ये हमारा क्या है फॉर्मूला। ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे हमारे रेट के ऊपर, दर के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर दर होती हमारी कितनी, दर होती हमारी यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ पे मान लो 20% मान लो, 1/5 होती, 5 × 6 = 5/6, ये होता, तो यहाँ पे भी 5/6, यहाँ पे भी 5/6 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 5/6, तो ये आ जाता हमारा यहाँ पे 1 + 5/6, 5/6, 6 × 6 = 7, 8, 9, 10, 11, 11/6 और इंटू 5/6, यहाँ पे बस इतना आता, बाकी ये सेम रहता। अब दर मान लो यहाँ पे होती हमारी कितनी, 20% की जगह हमारी होती 5%, 1/20, तो 1/20, 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 20 × 1 = 21, 21 = 20/21। ठीक है,
तो यही होता 1+20/21 और 20/21, ठीक है, कितना आ जाता 21 एकम 21 और 20, 41/20 और इंटू 20/21, ठीक है, ये होता हमारा दर के ऊपर डिपेंड करते हैं ये, ठीक है, कुछ भी दर आए ऐसे करना है। अब इसके ऊपर सवाल है, क्या है इसके ऊपर सवाल, क्या था फॉर्मूला, 10/11 21/11 इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू ये था सवाल। सवाल क्या है, एक व्यक्ति एक हजार 10,500 की राशि उधार लेता है, जिसका भुगतान वह दो बराबर वार्षिक किस्तों में करता है, बताइए प्रति किस्त का मान क्या होगा। जबकि ब्याज की सीआई की वार्षिक दर 10% रही हो, ठीक है, एक व्यक्ति 10,500 रुपये की राशि उधार लेता है जिसका भुगतान वह दो बराबर वार्षिक किस्तों में करता है, करने का वादा करता है या फिर करता है, बताइए प्रति किस्त का मान क्या होगा, यानी कि प्रति एक जो दो बराबर किस्तों में कर रहा है कि उसकी एक एक किस्त का मान क्या होगा, जबकि सीआई की वार्षिक दर 10% रही हो। दर क्या दे रखी हमें, दस परसेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/10, 1/10 को यानी कि 10/11 ये वाला फॉर्मूला ही लिखो, 10/11 दर तो बदलेगी नहीं क्योंकि 10% से ये, इंटू 20/11 इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू 10500 ये आ गया हमारा, करो सोल्व, इंस्टॉलमेंट 10500 × 11 × 11/210 ये आ गया हमारा, इससे ये कैंसिल, एक जीरो 21 पंजे 105 जीरो की जीरो, तो इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगा 50 × 121 5 1 5 5 2 10 5 1 5 और 1 6 और ये 0 ऐसी 6050 ये आ गया हमारा आंसर। क्या है, एक व्यक्ति 10,500 की राशि उधार लेता है जिसका भुगतान वह दो बराबर वार्षिक किस्तों में करने का वादा करता है, बताइए प्रति किस्त का मान क्या होगा जबकि सीआई की वार्षिक दर 10% रही हो। तो ये 10% है, 10% को 1/10 लिख लिया हमने, अभी बताया था 10/11 ये रहा हमारा, 10% का फॉर्मूला ही है,
10/11 इंटू 21/11 इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू पीए। पीए क्या दे रखा हमें, इतने रुपए की राशि हमारे पास 10,500 की राशि होगी, तो इंस्टॉलमेंट यहीं रह जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी कि जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। 21 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 210 इंटू 11 इंटू 11, तो 21 पंजे 105 और 0 की 0, तो 50 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 121, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6050, ये आ जाएगा हमारा इंस्टॉल किस्त। प्रति किस्त यानी कि एक किस्त इतनी की होगी, दूसरी किस्त 6050 की, यानी कि दोनों किस्त इतनी की होगी। दोनों बराबर बोला है ना, बराबर वार्षिक किस्तों में करता है, तो दोनों बराबर होंगे, पहली इतनी की दूसरी इतनी की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी साधारण ब्याज की। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करना, जो सवाल ना हो कमेंट बॉक्स में मुझे दे देना, मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।